चाहूंगी कि मेरा नंगा नाच कंटिन्यू रहेगा। मेरा नंगा नाच कंटिन्यू रहेगा। मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरा नंगा नाच कंटिन्यू रहेगा। जी हाँ, कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दे रही हैं उर्फी जावेद। मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरा नंगा नाच कंटिन्यू रहेगा। उर्फी जावेद हमेशा की तरह एक बार फिर से चर्चा में हैं और इस बार उर्फी निशाना बनी हैं पॉलिटिशियंस की, जिसका जवाब भी उर्फी अपने तरीके से देती रही हैं। हाल ही में उर्फी स्पॉट की गई मुंबई एयरपोर्ट पर, जहां उन्होंने मीडिया से बात भी की। कैसा गया नया साल? अच्छा था, तो सेम ही जाता है जैसा हर दिन जाता है। पिछले 10 दिन आपने देखते हैं तो निशा शुक्रिया लाइट आता है। ये कोई जगह है ये सवाल पूछते हो? मतलब उनका कल डब्बे भी का टेंशन है। आई फील बैड फॉर हर, बट आई मीन गिविंग अप योर लाइफ फॉर दैट्स ऑल। नाक बहरी है यार, तुम लोग और बिल्कुल ऐसे घुसा रहे हो कैमरा। और जब उर्फी से सवाल पूछा गया तो उर्फी ने सीधा कहा कि मेरा नंगा नाच कंटिन्यू रहेगा। मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरा नंगा नाच कंटिन्यू रहेगा। वेल, उर्फी को कितनी भी धमकियां मिले, कुछ भी हो, लेकिन अपने बोल्ड अंदाज में उर्फी हमेशा बिंदास बोलती है। चलिए आपको दिखाते हैं उर्फी का एक और अंदाज, जहां उर्फी ने ऑरेंज कलर का क्लोथ पहना है और बैकग्राउंड में पठान का गाना चल रहा है। तो क्या उर्फी दीपिका और शाहरुख को सपोर्ट कर रही हैं? भाई पठान के बाद अब आपको दिखाते हैं उर्फी की एक ऐसी झलक, जहां वो अपना चेहरा मीडिया से छुपाते हुए नजर आ रही हैं। वैसे छप गया है, मगर अच्छा नहीं लगता। अच्छा फोटो मिलेगा, अच्छा फोटो मिलेगा तो अच्छा ना। बोल दीजिए थोड़ा एक स्टैंडिंग। कुछ दिनों पहले अगर आपको याद होगा तो उर्फी ने दिखाया था कि किस तरह से उनके अंडर आई में प्रॉब्लम हो गई है, और लगता है कि उर्फी की ये प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है। तभी तो इस बार जब उर्फी स्पॉट की गई तो उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया और वो जाके रेस्टोरेंट में अंदर बैठ गई। बार बार अपना चेहरा छुपा रही थी और मीडिया को इशारा कर रही थी कि यहां से चले जाओ। इतना ही नहीं, जब मीडिया नहीं गई तो उर्फी ने पेन और पेपर का सहारा लिया और उस पर लिखा GO यानी कि गो। गो बोल रही है, हम लोग को गो बोल रहे हैं। जाओ यहाँ से। अब उर्फी अपना ये चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहती, ये तो वही जाने। लेकिन इतना जरूर है कि उर्फी जब भी मिलती हैं कुछ न कुछ एंटरटेनमेंट जरूर होता है।